तो टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट ट्रेड पॉलिसी इश्यूज पे, हम जो इसके एमसीक्यू करेंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें जो हम करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज रिव्यूड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, ऑन क्वार्टरली बेसिस, ऑन बाय मंथली बेसिस। और ऑन मिड क्वार्टर बेसिस। What should the answer first question? Yes, right. On bi-monthly basis. The next question. The statutory liquidity ratio, SLR, cannot be less than dash of net demand and time liquidity of a bank. SLR कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन ऑफ NDTL ऑफ द बैंक। व्हाट शुड द आंसर? तो ये जो है आपका आरबीआई डिस्क्रिशन है इस पे, कि SLR के मामले में कितना कम रहेगा, मैक्सिमम जो कितना लेसन हो सकता है, ये आरबीआई का डिस्क्रिप्शन है। दैट इज अ डी। यस, राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द मंथली लेवल अप टू विच स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई एज पर बीआर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत मैक्सिमम लेवल जो है आपका, अप टू विच स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई एज पर आरबीआई एक्ट के तहत कितना है इसमें आपका? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, सी 35%, डी 40%। तो सही आंसर है आपका डी, द राइट आंसर 40%। आप लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी नाइस, 40%। तो SLR जो मैक्सिमम हो सकता है आपका 40% तक हो सकता है, 40% मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ SLR एसेट्स? ये अब कैश इन हैंड है, वी हैव द ऑप्शन कैश इन हैंड, गोल्ड ऑन बाय द बैंक, इन्वेस्टमेंट इन अन इनकम्बर्ड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन कोटेड शेयर्स। तो राइट आंसर ऑफ फोर्थ शुड बी डी, यस, सत्यनारायण कुमार। यस, राइट आंसर इज डी, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन कोटेड शेयर्स। तो इससे पूछा जा रहा था आपसे कि जो है कौन सा इसमें से इन्वेस्टमेंट जो है नॉट इंक्लूडेड पार्ट ऑफ SLR, कैश नेट इन हैंड होता है, गोल्ड ऑन बाय द बैंक ये भी होता है, इन्वेस्टमेंट इन अन इनकम्बर्ड अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये भी होता है। तो राइट इज डी, द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
वेयर अ बैंक फेल्स टू मेंटेन SLR पेनाल्टी फॉर दिस, इसकी पेनाल्टी कितना है? अगर बैंक SLR मेंटेन नहीं कर पाती है तो पेनाल्टी कितना रखा गया है? ऑप्शन ए आपका है 3% ऑन द इंटायर अमाउंट, 3% ऑन द अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल, 3% ओवर बैंक रेट फॉर द फर्स्ट डे एंड 5% ओवर बैंक रेट फॉर द सक्सेसिव डे। डी 5% ओवर बैंक रेट फॉर द फर्स्ट डे एंड 3% फॉर द सक्सेसिव डे। सही सर क्या होगा इसमें? यस राइट सी द राइट आंसर। जो आपका फर्स्ट दिन, पहला दिन जो होगा आपका 3% ऑफ द 3% ओवर बैंक रेट, और अगर नेक्स्ट डे से होता है तो उसे 5% और जोड़ दिया जाएगा और बैंक रेट, मतलब बैंक रेट प्लस 5%, फर्स्ट डे बैंक रेट प्लस 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच द फॉलोइंग मेंटेनेंस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो बाय बैंक इज रिक्वायर्ड। अंडर विच द फॉलोइंग मेंटेनेंस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो बाय बैंक इज रिक्वायर्ड, इसके तहत जो है आपका जो है CRR मेंटेन करना है, बैंक को मेंटेन करना ही करना है। तो कुछ लोगों ने आंसर दिया है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन काफी क्लोज है। पहला है आपका सेक्शन 42 RBI 1934, सेक्शन 42 ऑफ BR एक्ट मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सी जो ऑप्शन आपका है सेक्शन 42 फर्स्ट सब क्लॉज फर्स्ट ऑफ RBI एक्ट 1934 इन्वेस्टमेंट कोड सर आपका जो है। इसमें क्या होगा? सी द राइट आंसर, वेरी नाइस निहाल सिंह नारायण वॉरियर साइड। सो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो CRR एज पर RBI एक्ट, RBI एक्ट के तहत मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो कितना होना चाहिए? एज पर RBI एक्ट मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो कितना होना चाहिए? 10%, 8%, 6%, 5% या फिर एज पर RBI डायरेक्शन? यस ई द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम कैश रिजर्व रेशियो CRR एज पर RBI एक्ट कैन बी रेज्ड बाय RBI अप टू, अभी था मिनिमम कितना होता है, इस बार क्वेश्चन आपका है मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम, मैक्सिमम कैश रिजर्व रेशियो CRR एज पर RBI डायरेक्शन RBI एक्ट कैन बी रेज्ड बाय RBI अप टू कितने परसेंट कह सकता है? तो इसका आंसर क्या है? एज पर RBI डायरेक्शन, क्योंकि RBI सबसे मैक्सिमम और मिनिमम को डिफाइन नहीं किया है, दैट्स व्हाई इट्स RBI डिस्क्रिशन यहां पे है। ओके दैट्स व्हाई RBI डायरेक्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो पे कितना इंटरेस्ट पे किया जाता है? कैश रिजर्व रेशियो पे कितना परसेंट इंटरेस्ट पे किया जाता है? यस राइट
जीरो मतलब कि निल, कोई उस पर इंटरेस्ट रेट नहीं पे किया जाता। सी द राइट आंसर। इसी मतलब हमें सेविंग रेट है, बैंक रेट, रेपो रेट, निल पे किया था, कुछ भी नहीं दिया जाता इसमें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ सिंगल और इंडिविजुअल बोरोअर द एक्सपोजर सीलिंग एज फिक्स्ड बाय आरबीआई इज, अगर हम बात करें सिंगल और इंडिविजुअल बोरोअर है, द एक्सपोजर सीलिंग एज फिक्स्ड बाय आरबीआई कितना फिक्स किया है इसके लिए? आप लोग आंसर लिखते हैं तो प्लीज उस क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए ताकि पता चले कि आप किसका आंसर लिख रहे हैं, 9 का या 10 का। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इन केस ऑफ सिंगल और इंडिविजुअल बोरोवर एक्सपोजर सीलिंग एज फिक्स्ड बाय आरबीआई इज, ऑप्शन ए आपके सामने है 15% ऑफ पेड कैपिटल ऑफ द बैंक, बी 15% कैपिटल फंड ऑफ द बैंक, सी 15% ऑफ नेट वर्थ ऑफ द बैंक, डी 15% ऑफ कैपिटल ऑफ द बोरोवर। तो सही से बताना है इसमें से, 10th का बी इज राइट, इज द राइट आंसर 15% ऑफ कैपिटल फंड।